व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है आज। और हर बार मैं केक बनाती थी, बट मैंने इस बार कुछ डिफरेंट सोचा क्योंकि मेरा ओवन खराब है और मैं नया ओवन ले नहीं रही हूँ। और दीदी जी आई थी आज, वो भी चली गई हैं। ये गए थे दीदी को छोड़ आए, थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है। थी हम दिन भर दीदी जी से बातें करते रहते थे, बट अब जब जैसे दीदी जी गई बहुत ज़्यादा सुना लग रहा, तो चलती हैं। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ खीर, और ये मैं बना रही हूँ खीर और इसका ही मैं केक बनाऊंगी। और मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया, उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मेरे बड़े वाला बेटे कुछ ज़्यादा ये होगा, मम्मा आज कुछ बनाऊंगी नहीं, तो मैं ये सरप्राइज़ दूंगी उन लोगों को। बस मैं सोच रही हूँ जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा केक बन जाए और अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि इसको ठंडा करना पड़ेगा मुझे एंड फ्रीज़र में थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। तो वैसे भी मैं इतना गाढ़ा खीर बनाती हूँ। क्यों, कौन है दादा? आप क्या खा रही हो बुआ? अभी आप क्या खा रही हो पहले बताओ, पर वो क्या खा रही हो? अच्छा जम करके दिखाओ, फटाफट जम करके दिखाओ ये। ओ माय, अच्छा डांस कर दो, डांस कर दो। चीटा है, आप क्या खा रही हो? अच्छा ये देखिए स्पाइडर है यहाँ पे, ये स्पाइडर है जिसको परू जिससे परू डर रही है, जौ जौ कर रही। भैया इसको हटा दो, भैया हटा दो ये स्पाइडर को। ये देखिए स्पाइडर, कौन है परू, कौन है स्पाइडर है, कह दो हटा दो, हटा दो भाई। ये देखो परू डर रही है, हटा दो भैया। बउआ ये मतलब अपने बड़े भैया को बोलती हैं क्या? लड्डू। कौन है, कौन है भैया? और छोटे अद्विक भैया को बुलाओ, अद्विक आओ। अच्छा बुलाओ अद्विक को, बुलाओ पहले अद्विक, बुलाओ अद्विक और डाटो कह दो। इधर देखो पल्लू, डार दो तुम। स्पाइडर कहाँ गया? ओ क्या है? डांट दो भैया को। पल्लू रोटी खा ली, पल्लू रोटी खा रही है। अच्छा अपना नेल पेंट दिखा दो, आज किस कलर का लगाया है? नेल पेंट दिखा दो, नेल पेंट। इनको डेली नेल पेंट चेंज करके लगवाना है। एंड ये अपना डांट रही है, अरे बाप। अच्छा अपना नेल पेंट दिखा दो, बहुत प्यारा है परू, दिखा दो। मम्मा का नहीं अपना, अरे ये देखिए परू का नेल पेंट। परू मतलब सॉक उतरा अभी तो इनका पूरा पूरा सॉरी इनका पूरा दिमाग स्पाइडर में। कहाँ गया अब तो नहीं दिख रहा परू, कहाँ है? मतलब बच्चों की आंखें छुपा, ये देखिए खुद परू ने मुझसे मतलब मेरे हाथ से कैमरा छीन के वो खुद वीडियो बनाने लगी थी। परू के साथ पूरा दिन बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और मैंने इसको बहुत पहले से ही चढ़ा दिया था, मतलब जैसे मैं किचन में आई हूँ और मुझे व्रत के लिए भी बनाना है। तो मैं मखाने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रही हूँ, या तो आप इसको चाकू से कट भी कर सकते हैं। और मुझे खीर में ड्राई फ्रूट अच्छी क्वांटिटी में हो तभी टेस्टी लगता है। मतलब ड्राई फ्रूट टेस्ट को बढ़ा देता है, या तो मतलब मैं जितनी बार खाऊं और टेस्ट आना चाहिए ड्राई फ्रूट का। तो ये मैं इतना मखाना डालूँगी एंड उसके बाद मैं बादाम, काजू, आपके पास चिरौंजी हो तो आप वो भी डालिए, बट मेरे पास चिरौंजी नहीं थी तो मैं बादाम अच्छी क्वांटिटी में डालूंगी। और इलायची पाउडर आप डाल दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना मखाना कट करके डालूंगी, क्योंकि खीर मेरा ऑलमोस्ट आधा पक चुका है, तो आधा इसके साथ पकेगा तो ये अच्छे से उसी में मिक्स हो जाएगा तो और भी टेस्टी लगेगा।
मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे क्या करना, मैंने प्लान करके नहीं रखा था। तो मैं खीर बनता जा रहा हूँ, मैं फटाफट ड्राई फ्रूट कट करना हो या गरी घिसना हो तो मैं साथ ही साथ करती जा रही हूँ। एंड गरी भी मैं अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, अच्छा लगता है। बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट मुझे गरी भी अच्छा लगता है, तो मैं इसको कद्दूकस करके इसमें डाल दूँगी। खीर को जब भी आप नए चावल बनाइए तो उसको कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो वो नीचे चिपक सकता है। और ये देखिए मैंने बादाम, अगर आपके पास जल्दी हो तो उसको कुटनी में कूट के भी डाल सकती हूँ। तो ये देखिए मेरा खीर ऑलमोस्ट अच्छे से गाढ़ा और बन चुका है, 1 घंटा लग गया है और मैं इसको चलाती जा रही हूँ। और मैंने इसमें डाल दिया शक्कर, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग शक्कर डाली, थोड़ा कम था तो मैंने बाद में फिर और डाला था। और ये है कस्टर्ड मिल्क पाउडर, सॉरी कस्टर्ड पाउडर, जिसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला, बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं, नॉर्मल दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया कि इसमें एक भी लम्स ना रह जाए। एंड इसको मैं डाल दूंगी, और जब मैं डाल के पकाऊंगी तो उसके बाद मैं इंडक्शन तुरंत बंद कर दूंगी, क्योंकि ये नीचे लम्स पड़ने लगते हैं, गाढ़ा होने लगता है। तो ये देखिए अब मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया, अब इसको मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक ये पूरे अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा एंड टेस्टी भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी में हम लोग वैसे भी कस्टर्ड बनाते थे, बच्चों को खाना होता था, बट मैंने आज खीर में डाला और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। वैसे मैं केसर डालती थी बट आज मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा हो गया एंड ये गाढ़ा हो गया और टेस्टी भी हो गया है और मेरा खीर अच्छे से सेट हो जाएगा। खीर मेरा बन गया था। अब ये टीन का सेट है जिसमें मैं पहले ढोकला बनाती थी, तो बस इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और पूरा खीर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं सेट होगा कि नहीं। मैं बस बच्चों को खुश करना है तो मुझे केक बच्चों को खिलाना है, तो मैंने आज ये केक ट्राई किया है, तो देखते हैं। मैं कम ही करूँगी, आधा ही करूँगी। वैसे मैंने आधा जो मैंने टीन में रखा है केक बनने के लिए, उसको मैंने पानी में रख दिया है ठंडा होने के लिए, मतलब थाली में पानी रखा उसके ऊपर वो टीन वाला रख दिया है। और ये मैंने पूरा नहीं बनाया, पता नहीं पूरा सेट हो ना हो, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, होता है कि नहीं देखते हैं। फिलहाल जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी और चलते हैं व्रत के लिए बनाने, मतलब मैं व्रत का बना लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैंने अचानक ही इसको सोचा था कि मुझे अचानक बनाना है, तो ये देखिए मैंने इसको पानी में रख दिया है। एंड ये इतनी खीर मतलब जमेगी नहीं तो ऐसे तो अच्छी लगेगी, बच्चे तो आइसक्रीम समझ के ही खा लेंगे और बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड। तो ये हो गया एक नाश्ता है। खीर में अच्छे से ड्राई फ्रूट हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एंड नए चावल का बनाई तो और अच्छा लगता है। तो केक अगर सेट हो गया तो टेस्टी तो लगेगा ही, एंड उसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट से और डेकोरेट कर दूंगी। तो बस अभी चलते ही, किचन की हालत बिगड़ी उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर मैं पहले अपने रुक लिए बना लूँगी अपने और बच्चों के लिए। एंड मैंने एक सब्जी बनाई है, ये देखिए मैंने ये सब्जी बनाई है, इसको छियाँ कहते हैं, बहुत लोग ग्वारफली कहते हैं, तो उसकी मसाले वाली सब्जी है जो कि मैंने दिन में बनाई थी। तो इतनी सब्जी सफिशियंट है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी मैंने बनाई है तो बच्चे ज़्यादा नहीं खाएंगे। और जिन लोगों को इन सब्जी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने दिन में एक्चुअली, और आप, मैं जब भी किचन में आती हूँ तो आपको मैं दिखा रही हूँ। और मतलब इनको चाहिए रहता, क्या चाहिए, क्या चाहिए, चीनी दे दो, क्या चाहिए परू, परू आपको क्या चाहिए पहले बताओ, चीनी दे दो, चीनी, अरे 1 मिनट 1 मिनट, लो। तो ये देखिए परू को चाहिए शक्कर, एंड ये परू लिए रहती हैं 1 कटोरी और छोटू चम्मच, चम्मच दिखा दो ये। ओ अच्छा, परू स्माइल करके दिखा दो, परू परू आपको शक्कर मिल गया, स्माइल कर दो, इधर इधर देखा, आपको शक्कर मिल गया ना, स्माइल कर दो जल्दी से। कैसे कैसे देती हूँ, अरे इधर 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 इधर, मुआ एक दे दो, हमने शक्कर दिया, परू परू पहले पहले ऐसे करो, तो चक्कर नहीं देंगे,
कैसे करती हूँ? अरे बाप रे, अगर हम इनको शक्कर देते हैं या इनको सॉल्ट नमक चाहिए। और ये देखिए डर किससे रही है? अपनी मम्मा से डर रही है कि कहीं मम्मा आ ना जाए ना। परू मम्मा मारती? कैसे मारती बता दो, कैसे मारती मम्मा? ऐसे आप आशी को कैसे मार रही थी बता दो। हाँ आशी को कैसे मारती हो? इस समय 12 बज गया था और हम लोग ने अपना डिनर कर लिया था, सब्जी पराठा एंड मैंने इनके लिए व्रत वाली पकौड़ी बनाई थी। तो ये देखिए मेरा केक भी अच्छे से सेट हो गया, जम गया है। और बच्चों को नहीं पता तो हम लोग चुपके से आए हैं, अब मैं इसको सेट करूँगी एंड बस देखते हैं अच्छे से निकल जाए। अब ऊपर से मैं इसको डब डब कर रही हूँ ताकि मेरा केक अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए मेरा केक सेट हो गया, इसलिए मैंने बहुत मोटी लेयर नहीं बनाई थी, पतली लेयर बनाई थी ताकि केक बन जाए। एंड ऊपर से मैं डेकोरेट करूँगी काजू से, वैसे भी इसमें अच्छे से मैंने ड्राई फ्रूट डाला है तो मैं बस चारों तरफ लगा दूँगी काजू। और अभी भी बच्चों को नहीं पता है मम्मा ने कुछ भी किया है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत टेस्टी लग रहा था एंड एकदम डिफरेंट था। अगर आपके पास रबड़ी हो तो आप, मेरे पास टाइम होता तो मैं रबड़ी बनाती एंड उसकी क्रीम बना के मैं ऊपर लगाती, जिससे और ज़्यादा टेस्टी लगता। और ज़रूर जिन लोगों को खीर पसंद है तो प्लीज़ मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आप लोग ड्राई फ्रूट अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए मैंने क्या बनाया, जुगाड़ू केक। खुश नहीं हो तुम? बहुत खुश हो गए। परु हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हें बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, बोल दो बोल दो। तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ये खीर का केक जो कि अच्छे से सेट हो गया है। और अच्छा खुश हो? बहुत, मतलब एकदम डिफरेंट केक है, बताओ किस चीज का है इसका। अब आप लोग टेस्ट करके बताना। और पटाखे छूट रहे हैं तो परु डर रही है, परु देखिए कितना डर रही है। और अभी केक कटने वाले हम लोग मूवी देखेंगे एंड आज रात में मतलब सब मूवी देखेंगे है ना। कौन सी मूवी है? केक कटिंग करेगी। परू बुला दो, आओ भाई अद्विक आ जाओ, आ जाओ आ जाओ अद्विक, आओ आओ लड्डू आ जाओ, बोल दो परू, परू लड्डू को बुला लो, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग अब बताओ, चलो केक कटिंग करो फटाफट। ये परू को हाथ पकड़ो, ओ क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करो, ये परू 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 का हाथ पकड़ो। हाँ ये तो टेस्ट करो, हाँ टेस्ट करो कैसा है बेटा, हमने जल्दी बनाया ना, खा लो कैसा है। हाँ परू काट कट कर लो, कर करो अब परू खिलाएगी। और केक कटिंग हो गई थी और अथा मेरे हो गए थे सरप्राइज। और किसी को पता नहीं चला कि मैंने ये केक कैसे बनाया, कैसा लगा? बहुत टेस्टी। और हम लोग इसको कैसे खा रहे हैं ये देखिए, आइसक्रीम के साथ तो और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। तो ये आइसक्रीम के साथ और भी टेस्टी लग रहा है, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो सोचा कि ना इसके साथ, हाँ ठंड में तो आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक का तो मज़ा ही कुछ और होता है। मैं एक बार गर्मी में इग्नोर करती हूँ, बट ये दो चीज़ें मेरी वीकनेस है। तो देखिए ये देखिए अच्छा लगा पोचा, ये देखिए ये आइसक्रीम में लगा। तो ये देखिए अथर कितने स्टाइल से मतलब
खा रहे हो। वैसे ये जितना सेट होना था हो गया, बहुत ज़्यादा जम जाता तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही फ्रीजर में रखा था और बहुत अच्छे सेट हो गया, निकल भी गया। तो बस हम लोग इंजॉय करते हैं अपना ये खीर, आइसक्रीम, केक, और साथ ही साथ हम लोग मूवी लगा के देखेंगे, एक साथ बैठ के देखेंगे, तो ऐसे इंजॉय करेंगे। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जय जय श्री माधव, हर हर महादेव। आप लोग बोलो हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री माधव, हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री माधव, जय श्री माधव। तो बस अब नए साल की शुरुआत करते हैं जय श्री माधव के साथ, है ना, नाम हर महादेव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जिनको खीर पसंद है उनको जरूर पसंद आएगा। तो ओके, टाटा बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, जय श्री माधव। नाम रोशन करना, खानदान का नाम रोशन करना। मुझे क्या तोहफा मिलेगा नानी? तुम खुद एक करिश्मा हो मेरा बेल मादरीगार, तुम्हें जो भी तोहफा